जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को आप एक मीडियम में रखे हुए रहोगे और आप उसको दूसरे मीडियम से देख रहे होगे। तो एक तो है कि एक्चुअल डेप्थ कितनी है, वो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होता है। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस मतलब कि आप मेजर करोगे उसको, एक स्केल से मेजर करके मेजर करोगे। और दूसरा है कि आपको बाहर से दूसरे मीडियम से जब देखते हो तब आपको कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, उसको हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। सो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। इस कंपैरिजन के लिए हमेशा हम एक अजम्पशन मान के चलेंगे, आपको दिया हुआ होगा चाहे नहीं दिया होगा। अगर एक्सेप्शन होगा तो वो मान के वो दिया होगा क्वेश्चन में, बट हमेशा इस मैं जो भी रिजल्ट अभी डिराइव करूंगा उसके लिए अजम्पशन होगा, हमारा ध्यान रखना। अजम्पशन इज नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आपको पहले भी बताया या नहीं बताया? नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? नाम से समझ आना चाहिए, नॉर्मल के बहुत पास होगा इंसिडेंस वो छोटा है, छोटा होगा। तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप लोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस हैज टू बी वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब इतना छोटा कि जहां पे आप ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब प्रोसीड करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है उसकी बात करते हैं। सपोज लिए हमने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मीडियम ले रखा है, यहाँ पे मान लो हमारा एक मीडियम है, इसको म्यू टू कह रहे हैं, और यहाँ पे एक मीडियम है इसको म्यू वन कह रहे हैं। म्यू वन मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का इंटरफेस से जो डिस्टेंस है, इंटरफेस से डिस्टेंस ये आपको दे रखा है, इस डिस्टेंस को हम रियल डेप्थ कह रहे हैं, दिस इज रियल डेप्थ, इसको R से इंडिकेट करेंगे हम, रियल डेप्थ कह रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो है वो बाहर है, ठीक है, ऑब्जर्वर बाहर है, और ये ऑलमोस्ट नॉर्मल वाला जो लाइन है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ से, जो आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे सर्फेस पे, उसी लाइन पे ही ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, नॉर्मल के पास में लोकेटेड है। तो इसको कितने डेप्थ पे दिख रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, इस ऑब्जर्वर को कितने डेप्थ पे दिख रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, जस्ट आप रे डायग्राम कंसिडर करो, जस्ट दो रे ले लो, आप टेक टू रेज, कोई भी दो रे ले लो, एक तो नॉर्मल के अलोंग ही प्रेफर करो, नॉर्मल के अलोंग एक रे को भेज दिया आपने, तो ये रे को हमने नॉर्मल के अलोंग भेजा, ठीक है, दिस इज वन रे, एंड दूसरा रे आप भेजो किसी भी एक एंगल पे। ये एंगल मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप ये विजुअलाइज करना कि छोटा है, ठीक है, इसको छोटा विजुअलाइज करना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है, और यहाँ से ये मान लेते हैं रेरर मीडियम में ही एंटर कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, किसी एक को तो मानना पड़ेगा डेंसर या रेरर, तो मैं मान लेता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए मैं रेरर में भेज रहा हूँ। तो इस केस में ये ऐसे चला गया, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन गया, इस रे को एक्सटेंड करे पीछे की तरफ, तो ये आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इमेज यहाँ पे बन रही है क्या, देखो तो बन रही है क्या? हाँ सर बन रही है, तो ये आपकी इमेज हो गई है, और इमेज की जो डिस्टेंस आएगी सरफेस से उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। ये हमारा एपरेंट डेप्थ है, ठीक है, दिस इज एपरेंट डेप्थ। अब इसको कैसे निकालें, देखो यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ये एंगल हमारे पास आई है और ये एंगल आर है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, म्यू वन साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि म्यू वन आई विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू म्यू टू आर, लिख सकते हैं, ओके तो अभी क्या करें, आई की वैल्यू को देखो, अब यहाँ पे इसके टर्म्स में लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करो, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी एक एक्स ले लिया हमने, ठीक है, इसको लिख सकते हैं म्यू वन इंटू आई की वैल्यू को क्या हम लिख सकते हैं एक्स बाय आर, लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, और आर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक्स बाय ए, देखो एक्स कट गया और यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, ए इज कमिंग आउट टू बी आर डिवाइडेड बाई म्यू वन बाई म्यू टू, ऐसा आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है। अब ये जो म्यू वन बाई म्यू टू है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो हम किस मीडियम में,
ऑब्जर्वर किस मीडियम में? म्यूटू में? म्यूटू में। अब म्यूटू में ही मीडियम में ही कोई अगर लाइट रे चल रहा है तो क्या वो बेंड करेगा खुद से? नहीं, नहीं, नहीं। हमारे हमारे सो अगर हमारे लिए कोई पूछे हमारे रिस्पेक्ट में, मतलब हम जिस मीडियम में, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिख रहा है, तो हमें वन ही दिखेगा, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे लिए अगर हमारे मीडियम में लाइट रे जा रहा है तो वो बेंड नहीं कर सकता जब तक मीडियम चेंज ना हो। तो हमारे मीडियम से कोई भी रे जा रही है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे रिलेटिव क्या है वो हमें सोचना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हमें अपने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वन अपियर हो रहा है मैं कह रहा हूँ, तो किसी भी चीज को वन बनाने का तरीका क्या है? उसको खुद से डिवाइड करना है ना। जैसे जिस मीडियम में हम है वो एक्चुअली तो वन नहीं है, वो क्या है? म्यूटू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है नहीं है। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल कितना है? म्यूटू। बट अगर मैं म्यूटू को खुद अगर मैं म्यूटू को म्यूटू से ही डिवाइड कर दूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन जाएगा? वन बन जाएगा। हाँ सर। तो बेसिकली आपको ऐसे सोचना है कि जिस मीडियम में हम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर खुद उसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो उसको आपको वन बनाना होता है, और वन बनाने का तरीका ये है कि खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड करो। तो इसका मतलब म्यूटू बाई म्यूटू किया, बट ये जब म्यूटू बाई म्यूटू आप कर रहे हैं अपने मीडियम के लिए तो सारे मीडियम में आपको करना पड़ेगा। तो अब अगर आप पूछा जाए कि जो फर्स्ट मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके रिस्पेक्ट में कितना था, तो क्या बोलोगे आप? म्यू वन बाई म्यू टू बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस वही है। तो बेसिकली आपको जब भी एपरेंट डेप्थ निकालनी है, एपरेंट डेप्थ जब भी निकालनी है तो आपको क्या करना है? ए निकालना है तो आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि रियल डेप्थ एंड डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लेना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव कह सकते हैं यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना है। और म्यू रिलेटिव निकालने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि करना क्या था, वेयर म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, म्यू वन टू, ऐसा सब्स्क्रिप्ट भी आपको दिखेगा, सब्स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, या फिर म्यू वन टू ऐसे भी दिखेगा, विच इज बेसिकली म्यू वन बाई म्यू टू। ठीक है, इसको कहते हैं दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। आपको समझ आया कंसेप्ट क्या है? ठीक है, समझ आया है? हाँ सर। जैसे इस डायग्राम में मैंने अपने आप को कौन सा मीडियम में लिया था, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? ऑब्जर्वर को रेयर में लिया था ना? तो रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वैसे भी वन से बढ़ाएगा, आएगा ना सर। और अगर आप रियल डेप्थ से म्यू को डिवाइड करते हो तो फिर वो म्यू अगर वन से बड़ा है तो एपरेंट डेप्थ तो रियल डेप्थ से कम आएगा ही ना। हाँ सर। और वो कम होता हुआ दिख भी रहा है मतलब, और ये फिजिकली आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप पानी की चीजों को देखते हैं, पानी के अंदर की चीजों को देखते हैं ऊपर से, तो वो ऊपर दिखता है ना, अपीयर करता है ना, डेप्थ तो शैलो दिखता है, कम दिखता है, बट एक्चुअली ज्यादा होता है। तो ये दिख रहा है, बट अगर आप उल्टा सिनेरियो लोगे, मतलब आप पानी के अंदर चले जाओगे और बाहर की चीजों को देखोगे, अब आपको उल्टा दिखेगा, क्यों? क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब निकालोगे तो फ्रैक्शन आएगा नहीं, क्योंकि आप डेंसर मीडियम में हो और रेयर मीडियम बाहर है, तो उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करोगे तो क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा ना। और अगर आप रियल डेप्थ से अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा? ज्यादा आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि यू नो कब रियल डेप्थ ज्यादा दिखेगा, कब यू नो एपरेंट डेप्थ ज्यादा दिखेगा, ये आपका आपके ऑब्जर्वर का जो मीडियम है और ऑब्जेक्ट का जो मीडियम है, इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मिलते हैं आपको इसके क्वेश्चंस के, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक मीडियम जो होता है वो एयर होता है और दूसरा मीडियम या तो ग्लास या तो वाटर, ऐसा ही दिया रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक चीज कॉमन रहेगा, एयर कॉमन रहेगा। तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्लास या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो सिंपली म्यू ही तो लिखेंगे, क्योंकि एयर तो खुद ही वन है, राइट? हाँ। तो उस केस में जैसे एयर से देख रहे हो, एयर से देख रहे हो एक मीडियम के अंदर के ऑब्जेक्ट को जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, तो फिर ऑब्वियसली उस केस में डेप्थ कितना दिखेगा आपको? आर बाई म्यू दिखेगा। ठीक है, ठीक है,
हाँ सर, बट अगर आप डेंसर मीडियम में हो मतलब ग्लास के अंदर या पानी के अंदर हो और उसके बाद फिर एयर वाली चीजों को देख रहे हो तो रिलेटिव कितना आएगा, 1/μ? हाँ हाँ सर। और अगर आपने r डिवाइडेड बाय 1/μ किया तो एक्चुअली म्यू आर हो गया है, राइट? हाँ सर। इसका मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि apparent depth या तो म्यू आर हो जाता है या तो r बाय म्यू हो जाता है, इस तरह के केसेस में। r बाय म्यू कब करना है? जब डिस्टेंस घट रहा है। और म्यू आर कब करना है? जब डिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? हाँ सर। तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर रहा हूँ और कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? सर इंफॉर्मेशन से एक चीज पूछना था। हाँ, जब रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे थे तब डिफाइन किया था कि दो रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन है इमेज है, यहाँ पे क्या इसका एनालॉग मतलब रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन को इमेज बोल रहे हैं? हाँ, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट वही है बेटा। ठीक है, ये आपका म्यू टू इक्वल टू वन, ये म्यू वन इक्वल टू म्यू। यहाँ पे जनरली आपको ग्लास या वाटर ऐसे दिखेगा और ये बेसिकली आपका एयर दिख रहा है। कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। ये ऑब्जेक्ट है और इसका आपको रियल डेप्थ आर दे रखा हुआ है। आपको बस इतना करना है, आपको दो रे कंसिडर करना है। एक रे लो जो नॉर्मल के अलोंग ही चला जाए, वो तो अनडेविटेड गया, और दूसरा एक और ले लो, कोई भी रे ले लो जो एक सर्टेन एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। अब ये तो दिख रहा है डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इसमें तो गेस करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो पता चल रहा है आपको कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। और अवे फ्रॉम नॉर्मल जैसे ही गया तो ये इंटरसेक्शन पीछे हो रहा है, और पीछे इंटरसेक्शन अगर कराया तो ये डिस्टेंस घट गया ही नहीं, घट गया दिख रहा है आपको? हाँ सर। और अगर डिस्टेंस घट गई है तो श्योर होके कह सकते हैं आप कि जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से क्या है, कम है। और अगर कम कर ही दिया आपने तो सिंपली आर बाई म्यू कर देना। तो ये ए को सिंपली आप ऐसे लिख लेना, दिस ए विल बी आर बाई म्यू, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ये वाला केस जो मैंने किया, दिस इज केस वन, ऑब्जेक्ट इन ऑब्जर्वर इन एयर, ऑब्जर्वर इन एयर का है, ठीक है? और केस टू अभी कर लेते हैं। केस टू, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। ऐसा कुछ दिखा देते हैं यहाँ पे। ये है, इस बार इसको म्यू वन कर रहे हैं, ये वन है ऑब्वियसली एयर के लिए, और यहाँ पे म्यू टू को हम म्यू मान रहे हैं, या आपका ग्लास वाटर जहाँ पे भी होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट हमारा इस बार यहाँ पे, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसके रियल डेप्थ आपको आर दी हुई है। और ऑब्जर्वर ध्यान रखो, आप इस बार इधर से देख रहा है, आपको क्या करना है, यहां से फिर से सेम अप्रोच, एक रे लो जो नॉर्मल के लॉन्ग चला जाए, अनडिविडेड पास किया, एक और रो लो, ये रे किधर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कराओ। अब जैसे आपने इसको टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कराया तो आपको तुरंत दिख जाएगा इसका इंटरसेक्शन पीछे होगा या सामने होगा? पीछे 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 होगा, तो बस इसको पीछे एक्सटेंड कर लो। ये देखो, इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है? अब देखो, इंटरसेक्शन जहां पे हो रही है, जहां पे इंटरसेक्शन हुई वही क्या हो गया, इसका इमेज हो गया। सो दिस इज योर इमेज। ये डिस्टेंस बढ़ा या घटा है? बढ़ गया, तो बस यहाँ पे म्यू आर कर लेना। समझ आई आपको? ओके सर, ठीक है। तो या तो आप ये ध्यान रखना है, या तो आर बाई म्यू करना है या तो म्यू आर करना है, और आर बाई म्यू करना है या म्यू बाई आर करना है, जस्ट दो रे लेना
उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी पे बेस करके एक छोटा सा यू नो एक एप्लीकेशन देखो। सपोजिटली इमेजिन करो कि एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर के बीच में एक ग्लास स्लैब रखी हुई है। दिस इज अ ग्लास स्लैब मान लेते हैं, इस ग्लास स्लैब को। अब हमने क्या किया है, इमेजिन करो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पे सपोजली हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है और ऑब्जर्वर जो है दूसरे साइड से देखता है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा ये हमसे पूछा गया है। आपको ये दिया होगा थिकनेस, ये थिकनेस दी हुई होगी, इस थिकनेस को टी मान लेते हैं और इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दी हुई है और सराउंडिंग मीडियम आपका एयर है, ठीक है। देखो कैसे अप्रोच करेंगे, आप क्या करो यहां से एक रे लो, जस्ट टेक अ रे और इसमें इसको सोचो कि किधर जाएगा, तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, ठीक है। तो मैं इसको टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा रहा हूं, अब देखो यहां पे सही ड्रॉ किया ना, ठीक है। ये नॉर्मल, ये जो रे हमने ड्रॉ किया इसको अगर एक्सटेंड करें पीछे, इसी कलर से इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हम, तो ऐसा कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होता, होता ना। ये एक्चुअली तो पीछे जाएगा नहीं बट ऐसे ही कुछ अपीयर होगा। तो देखो इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये पहला रिफ्रैक्शन का इमेज बन गया ना, इसको I1 कह सकते हैं, है ना। बट क्या ऑब्जर्वर को ये दिख रहा होगा, ये किसको दिख रहा है, वो फिर से दूसरे मीडियम में है, ये किसको दिखता है, ये किसको दिखता है, ये किसको दिखता है, I1 किसको दिखता है, अगर ऑब्जर्वर स्लैब के अंदर होता, ग्लास के अंदर होता, गुड, अगर ऑब्जर्वर ग्लास के अंदर होता तब उसको वो दिखता, ठीक है, बट वो तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंसेस हम मार्क कर लेते हैं, अच्छा इसको बाद में मार्क करते हैं, एक बार पूरा रे डायग्राम पहले कंप्लीट कर देते हैं। अब फिर वापस से हमें यहाँ पे एक और रिफ्रैक्शन कंसीडर करना है। अब ये बताओ मुझे इस रिफ्रैक्शन के लिए रे अवे नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, अवे, 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 एंड ये तो वापस से फर्स्ट रे के पैरेलल हो जाएगा, होगा ना, हाँ होगा, नहीं होगा, तो इसको हम वापस से फर्स्ट रे के पैरेलल दिखा दे रहे हैं। तो अगर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पीछे इससे पैरेलली दिखेगा, क्या यही फाइनल इमेज है, रे देखो बाहर निकल चुका है, दिख रहा है, दिस इज द इमेज, ठीक है ना, क्लियर है, हाँ सर, हाँ सर। अब हम डिस्टेंसेस पे एक बार मार्क करते हैं, देखते हैं शिफ्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। सपोजिटली ये वाले डिस्टेंस को हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं, तो क्या ये वाले डिस्टेंस को हम म्यू एक्स लिख सकते हैं, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, ओके, ठीक है। क्या ये वाले डिस्टेंस को हम म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू लिख सकते हैं, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, क्योंकि उस रिफ्रैक्शन के लिए रियल डेप्थ आपका I1 का लेना है ना, रियल डेप्थ I1 का देखो कितना है, म्यू एक्स प्लस टी है,
दिख रही है ना आपको? हाँ सर। और उसके बाद फिर डिवाइड बाय म्यू करना है क्योंकि डिस्टेंस पास आ गया है, ठीक है? अब देखो शिफ्ट आपको दिखेगा, सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द शिफ्ट। तो शिफ्ट आपका राइट की तरफ हुआ है, राइट की तरफ मतलब इंसिडेंट रे जिस तरफ ट्रेवल कर रहा था उसी तरफ हुआ है। एंड दिस डेल्टा एक्स इज कितना लिखोगे आप? डेल्टा एक्स विल बी, चेक करो, दिस विल बी टी प्लस एक्स माइनस ऑफ म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू। देखो तो ये आ रही है क्या? आ रही है, एक्स तो गया और आ गया ये टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये एक्स पे डिपेंडेंट है? नहीं नहीं सर, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्लैब का थिकनेस कितना है और स्लैब का रिफ्रैक्टिविटी क्या है बस वो इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है? तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है इफ अ स्लैब ऑफ थिकनेस एक्स, सॉरी क्या लिखा, एक्स थिकनेस टी, थिकनेस टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड between an object and observer, then the object appears shifted by t into 1 minus 1 by mu towards observer, ठीक है? समझ आई आपको? ये याद रहेगा? याद रहेगा आपको? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। सपोज लिए आपको ऐसा एक सिचुएशन देखो, देखो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, इमेजिन करो कि एक कन्वर्जिंग बीम हमारी यहाँ पे इस स्लैब पे पड़ने वाली थी, ठीक है? कन्वर्जिंग बीम यहाँ पे इस स्लैब पे पड़ने वाली थी, मतलब ये दोनों जाके किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं हमें, सपोजली यहाँ पे, ठीक है? ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्या इसको? ऑब्जेक्ट वर्चुअल कह सकते हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? आप ये बताओ मुझे इसका इमेज शिफ्ट के लिए क्या हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? हाँ कर सकते। और शिफ्ट किस तरफ होगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ ही होगा। लेफ्ट, राइट की तरफ, लेफ्ट नहीं होगा, राइट की तरफ ही होगा। ये राइट की तरफ ही होगा, जिस तरफ आपका इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहा है ना उसी तरफ होगा। आप देखो इसमें रे डायग्राम आप जस्ट एक ड्रॉ कर लो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ये रे को आप किधर बेंड कराओगे, टुवर्ड्स नॉर्मल एंड फिर वापस से अभी नॉर्मल, इधर शिफ्ट किया है, राइट राइट। तो ये राइट लेफ्ट याद नहीं रखो, आप ऐसा याद रखना कि जिस तरफ इंसिडेंट रे ट्रेवल करता है उसी तरफ शिफ्ट करेगा। देखो पिछले वाले डायग्राम में भी देखो इंसिडेंट रे किधर जा रहा था, लेफ्ट से राइट, और शिफ्ट भी किधर हुआ है, राइट की तरफ हुआ है ना, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और इसमें भी वही काम हो रहा है, ठीक है? तो शिफ्ट आपका वही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज द शिफ्ट डेल्टा एक्स एंड दिस विल बी टी इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रहेगा। सर यहां पे ऑब्जर्वर किस तरफ से देख रहा है? शिफ्ट ऑलवेज, एक मिनट रुको, ऑलवेज इधर ही रहेगा, ऑब्जर्वर इधर है, ऑलवेज टेक्स प्लेस, शिफ्ट ऑलवेज टेक्स प्लेस in the direction of incident rays, ठीक है? ओके सर। हाँ बोलो सर। अगर ऑब्जर्वर अगर लेफ्ट साइड में होता तब उसको कुछ दिखता? लेफ्ट साइड में होता तो फिर उसको तो दिखता, लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको क्या दिखेगा?
तब उसको वो दिखता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना आपका, वो दिखता उसको, क्योंकि ये देखो तो वापस से वही सिचुएशन हो गया, देखो नहीं सर उसको वो क्यों दिखेगा, लाइट नहीं, लाइट तो उसके पास पहुंच ही नहीं रहा, सही से लाइट तो उसके पास पहुंच ही नहीं रहा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, लाइट तो उसके पास पहुंचना चाहिए ना, वही तो लाइट उसके पास पहुंच ही कहां रहा है, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गई ना आप लोगों को, अब इसके एप्लीकेशन पे मूव कर सकते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल पहले करते हैं, ये बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, ये आई एम श्योर आप लोगों को कराया गया होगा आकाश में या फिर आप विद्या मंदिर में जो भी क्लासेस कर रहे हैं, बट इसका अप्रोच देखो मैं आपका कैसे कर रहे हैं। ये मान लो एक मिरर है, इट इज अ प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर से यहाँ पे एक ग्लास स्लैब चिपका दिया है, ग्लास स्लैब चिपका दिया, इसकी म्यू इज अननोन, ठीक है, म्यू पता नहीं है मुझे, उसने ये दे रखा है कि ये थिकनेस आपका 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इस नॉर्मल वाले लाइन पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्लैब के नियरर फेस से आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड देयर सेड द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, ये गिवन है और आपको पूछा है म्यू फाइंड करने के लिए, फाइंड म्यू, बताओ क्या होगा, क्या? अच्छा नहीं नहीं वो मिरर भी है ना, ठीक क्या मिरर भी है ना, क्या बोल रहा है, 1.5 नहीं आ रहा है, नहीं नहीं सर एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, चलो मैं करता हूँ, देखो पानी पी, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट से दिखाता हूँ, फिर एक शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में एप्लीकेशन। यार तुम कौन से दुनिया में सोता रहता है बताओ तो मुझे, अचानक से जागता है और फिर अचानक से एक तो बकबक करता है, कौन से दुनिया में सोते हो, आंसर पूछ रहा था, नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन से दुनिया में सोते हो ये बताओ मुझे सर, क्यों आंसर कोई बोल दिया क्या मास्टर, मेरा ठीक है अभी, चलो देखो तुम लोग का जो भी आंसर आया आप अपने पास रखो, मुझे अब आंसर नहीं चाहिए तुम्हारा। इसको कन्वेंशनल तरीके से करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर आप रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो बेस्ट का क्वेश्चन यही है, ये बेस्ट क्वेश्चन है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ को समझने के लिए। हम क्या करें, पहले रे डायग्राम एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
मैं एक रे ले रहा हूँ, ये रे बताओ टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा या वे नॉर्मल? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा रहे हैं, ठीक है। इस रे को अगर एक्सटेंड करें पीछे की तरफ तो ये पहले रिफ्रैक्शन का इमेज होगा, होगा ना? Right? हाँ सर। साइमल्टेनियसली डिस्टेंसेस भी मार्क करते चले जाते हैं। क्या ये डिस्टेंस को हम 10 म्यू लिख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1। तो I1 का डिस्टेंस मिरर से कितना है? 10 म्यू प्लस 6। तो इमेज भी कितने दूर पे बनेगा? 10 म्यू प्लस 6। तो अगर मैं इस रे को अगर एक्सटेंड करूं बैकवर्ड्स, जगह नहीं यहाँ पे कर दो, तो यहां पे आपका ये सेकेंड इमेज बना, इसको आई टू कह रहे हैं। ये क्या फाइनल इमेज है या इंटरमीडिएट इमेज है? इंटरमीडिएट इमेज है। सो दिस डिस्टेंस इज 10 म्यू प्लस 6। अब ये रे वापस से बाहर निकलेगा, निकलेगा ना? हाँ सर। अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन। हाँ। और रिफ्रैक्शन के लिए अब ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा अवे नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा दिया ये रे को, ठीक है। इस रे को अगर वापस से बैक ट्रेस करें अगर, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे, क्या यही फाइनल इमेज है? हाँ हाँ सर। तो ये आपकी फाइनल इमेज हो गई। सो दिस इज योर इमेज। इस इमेज को हम रियल डेप्थ एंड अपेंड डेप्थ के कांसेप्ट से कितना लिखें, कहां से मार्क करें और कितना लिखें? वो आई टू का डिस्टेंस वो 6 सेंटीमीटर वाले स्लैब से मार्क करेंगे, उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस 6 कर देंगे। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 10 म्यू प्लस 12 बाय म्यू। गुड, हां सर। 10 म्यू प्लस 12 डिवाइडेड बाय म्यू। तो ऑब्वियसली यहां से स्लैब से डिस्टेंस, मतलब जो मिरर है उससे डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस आपका 12 सेंटीमीटर होना चाहिए ना? हां सर, होना चाहिए। तो बाय कंडीशन कितना हो गया? 10 म्यू प्लस 12 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 12, राइट? हां सर। और म्यू का वैल्यू एग्जैक्टली आपका 3/2 आ जाएगा सर। देखो, समझ आइए? हाँ सर। कहाँ कहाँ गलती की आप लोगों ने बताओ मुझे? सर मैंने आई टू को फाइनल इमेज मान लिया था। मैंने आई टू को फाइनल इमेज मान लिया था गलती से, वो सेकंड वाला वो पार्ट नहीं कंसीडर किया। ठीक है, और ऋषि ने क्या किया और ओम ने क्या किया? और सर मेरा 3/2 ही है ऐसा। नहीं, तुमने तो बोला कि ओह मिरर भी है, फिर उसका फिर चेंज करने वाले थे तुम खुद ही। मैं तो बिना बोले बाद में वापस किया तो वापस 3/2 ही आया। ठीक है, और ऋषि ने? सर वो मैंने वो 10 म्यू की जगह गलती से 10 बाय म्यू कर दिया था, सॉरी, फिर वहां से कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ी कर दिया था। डिस्टेंस जब भी बढ़ेगा तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस जब भी घटेगा तो म्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है? ओके, अब इसका एक आसान तरीका देखो। एग्जामिनेशन हॉल में आप ये नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए तो ये नहीं करेंगे, बट ये देखो आपको इससे काफी अच्छे समझ में आ रहा है कहाँ पे 10 म्यू करना है या यू नो मल्टीप्लाइड बाय म्यू करना है, कहाँ पे डिवाइड बाय म्यू करना है, ये समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, ठीक है? बट हाँ, अब आगे इसको एक करने का एक आसान तरीका देखो। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोजिटली मैं बोलूं ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम ही खड़े हो जाओ, इमेजिन करो तुम वहां पे खड़े हो, तो तुम्हारे लिए मिरर 16 सेंटीमीटर पे होगा या 16 सेंटीमीटर से पास होगा? 16 सेंटीमीटर से पास होगा। पास होगा।
शिफ्ट अपीयर होता है ना 3:1-1/μ का, तो ऑल्टरनेटिव मेथड अब उसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज माय ऑल्टरनेटिव मेथड, ये बहुत ही आसान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा सिचुएशन दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से तो बना हुआ है ऑलरेडी। मैं कह रहा हूं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना आपको, द मिरर अपीयर्स शिफ्टेड क्लोज टू ऑब्जेक्ट बाय 6:1-1/μ, ठीक है। तो इसका मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो डायग्राम, ये लाइन को मैं इधर रख रहा हूँ, ये वाली लाइन को भी इधर रख रहे हैं जस्ट ऐसा, और मिरर हमारे लिए शिफ्टेड है इस तरह, ये हमारा शिफ्ट है, दिस इज डेल्टा एक्स। अब हमको स्लैब कंसीडर करने की जरूरत है या नहीं है? शिफ्ट दिखा दिया तब क्या स्लैब एग्जिस्ट करता है हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि शिफ्ट तो स्लैब की वजह से ही दिखाई दिया है, तो अब हमको स्लैब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है, अब तो सिर्फ प्लेन मिरर ही है ना, है नहीं है? हाँ सर। और प्लेन मिरर के लिए जितने दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर पे क्या होगा, इमेज होगा, कह सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो बस सर, अब अगर मैं बोलूँ की इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, सॉरी तो इमेज आपकी यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, एंड बाय डेफिनेशन ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, कितना है 10 plus 6 by μ, यही है ना? हाँ। तो इधर से भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इधर से भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 plus 6 by μ, और ये डिस्टेंस आपको उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, ये डिस्टेंस ये कितना था, 12 था ना, 12 था, तो 12 plus 6 into 1-1/μ that should have been equal to 10 plus 6 by μ, लिखते? हाँ सर। हो गया, देखो μ फिर से आ गया आपके पास, μ आपके पास 3/2 आ जाएगा फिर से। सर हम्म, तो इसके ऐसे सोचते थे कि आपने कहा था ना कि अगर हम मिरर को x डिस्टेंस मूव करते हैं तो उसका इमेज 2x मूव करेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट O है वो तो 16 सेंटीमीटर दूर है वो इनिशियल मिरर से, तो मिरर को अगर x से मूव किया तो ऑब्जेक्ट भी मतलब 2x से मूव करेगा, और 16-12 को वैसे करके कर सकते क्या? नहीं नहीं, वो तो तब करते थे ना जब मीडियम चेंज नहीं होता था। नहीं नहीं, मैं वो तो मतलब आपने जो मिरर को शिफ्ट कर दिया है ना उसके बाद कर रहा हूं मैं। नहीं, मिरर को शिफ्ट किया हो तो मिरर को शिफ्ट करने के कांसेप्ट जो है वो तो x का 2x तभी होते थे ना जब मीडियम चेंज नहीं करते थे। अच्छा, यहाँ तो मीडियम चेंज करके कर रहे हैं ना आप, तो इफेक्टिवली तो मीडियम डालने की वजह से आपने शिफ्ट किया है। ठीक है सर। हाँ बोलो सर, ये जो सेकंड तरीका आप दिखा है उसमें वो जिसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि एक बार आप मिरर को शिफ्ट कर दिए फिर फर्दर स्लैब का कुछ काम नहीं होगा, वो किस तरह से फिर से बना सकते हैं? अरे बाबा, मतलब बेसिकली आप क्या करते हो जब आप एक बार मिरर को शिफ्ट कर, मिरर को शिफ्ट क्यों किया है? आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहां पे मिरर है, तो अगर मैं मिरर को वहीं पे रख दूं, अगर मैं मिरर को वहीं रख दूं तो मुझे तो स्लैब की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वही तो किया, तो स्लैब हटा दिया, मुझे जहां पे मिरर दिख रहा था मैंने वहां पे मिरर को डाल दिया और अब स्लैब को हटा दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आप ऐसे सोचो कि ये वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर है, वर्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर है। हाँ। बस उसके बाद फिर अब आप आराम से इसके साथ कैलकुलेशंस करो। अच्छा ठीक है, तो सर ये जो 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं ये हम लोग फिर एक्चुअल से लेना पड़ेगा, इसको वर्चुअल से लेना नहीं पड़ेगा? क्या क्या, फिर से बोलो। ये आप सोचो कि ये 12 सेंटीमीटर उसने क्या दिया था, क्वेश्चन का लैंग्वेज बताओ क्या था।
वो एक्चुअल मिरर था इसलिए। हाँ ये तो उसने उसने ये जो पोजीशन दिया तुमको किसके रेस्पेक्ट में दिया है? एक्चुअल मिरर के रेस्पेक्ट में दिया है। तो तुम्हारा तो शिफ्टेड मिरर के रेस्पेक्ट में तुमने इमेज निकाला है, तो शिफ्टेड मिरर के रेस्पेक्ट में जहां है उसमें तो आपको वो डेल्टा एक्स सबट्रैक्ट करेंगे तब तो आपको वो यू नो 12 मिलेगा ना। ठीक है ठीक है चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। In front of a concave mirror of focal length 30 centimeter, a point object is placed at a distance of x glass slab of thickness 9 centimeter and mu equal to 3/2 is inserted between them. Find the location of image if pehla x equal to 63 centimeter and dusra x equal to 43 centimeter. Batao kya answer? क्या हुआ कितना टाइम क्यों लग रहा है? 63 और 123 सर पहले का तो 63 आ रहा है। पहले वाले का 63 मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज को इनसाइड कर रहा है। हाँ और दूसरे वाले का 123 हाँ सर 123 आ गया। देखते हैं सर चेक करते हैं। ठीक है सो पहला चीज ये है सर मेरा भी हुआ है। गुड सबसे पहले चीज तो ये है कि जैसे अगर ये करें ये हमारा मिरर है और यहाँ पे हमारा वो स्लैब है इसकी थिकनेस तो आपको दे रखी है उन्होंने 9 सेंटीमीटर है इसकी रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 3/2 है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको एक बार कॉपी कर लेते हैं दो बार करना पड़ेगा पूरा जो शिफ्ट होगा वो कितने से होगा मतलब अगर ऐसे बोले कि इफेक्टिवली हमारे लिए मिरर यूज करें 3 सेंटीमीटर पे ये तो आपने कर लिया है गुड तो मिरर हमारे लिए इफेक्टिवली यहाँ पे तो अब आप स्लैब को रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो
तो ये जो शिफ्ट हुई है ये आपने ऑलरेडी निकाल ली है, डेल्टा एक्स विल बी 9 into 1 minus of 1 by 3 by 2 and that is basically 3 centimeter. मतलब यहाँ से बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट जो अपीयर हो रहा है वो कितने पे अपीयर हो रहा है, 63 minus 3, right? है ना? तो कितना हो गया 60 centimeter. And 60 centimeter अगर आप देखोगे तो twice of radius of curvature है, sorry twice of focal length है ना? Right? Center of curvature of shifted mirror. That's it. उसके बाद तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है. So therefore, image coincides with object. Image coincides with object. हो गया. Image coincides with object. बस इतना बोल के खत्म कर देंगे. So therefore, image at 63 centimeter from mirror. यही final answer होगा. अगर इसका diagram draw करते हो तो कैसा दिखता? Actual diagram अगर draw करते हो तो कैसा दिखता? एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा दिख रहा होता है. जैसे आपने क्या किया, सपोजली यहां से एक रे लिया, ये रे इधर से इधर बेंड किया, फिर वापस से इधर से ऐसे निकल गया. और ये डेफिनेटली इस मिरर के लिए नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा होता, होता ही नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस होगा तभी तो रिट्रेस करेगा ना, होगा नहीं होगा? और रिट्रेस करेगा तो वापस से क्या होगा, इमेज यही बन जाएगा. इसका मतलब ये वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते, ये लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते तो डेफिनेटली ये कहां पे जा रहा होता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा होता. समझ आ रही है? हां सर. तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है. तो मिरर की तरफ से भी अगर आप देखते हैं ना, तो मिरर की तरफ से भी देख के आप ये बोल सकते थे कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स शिफ्टेड, कह सकते थे ना? हां कह सकते. और ऑब्जेक्ट अपीयर्स शिफ्टेड एंड प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड है तो उसके इसमें इमेज कहाँ बनेगा, वहीं तो बनेगा ना. समझ आई? ठीक है. अभी सेकंड वाले पे आते हैं. सेकंड वाले पे वापस से सेम सिचुएशन, शिफ्ट तो आपका वही रहना है. तो शिफ्ट आपने वापस से आपने 3 सेंटीमीटर का दिखाया, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके लिए हो गया है 40 सेंटीमीटर. और मेरा फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू विच इज माइनस 40 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 30. सो 1 बाई वी का वैल्यू आ गया है 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 30. तो बेसिकली आपकी v की वैल्यू आ रही है -120 आ रही है. तो -120 किसके रिस्पेक्ट में? इस शिफ्टेड मिरर के रिस्पेक्ट में. तो ऑब्वियसली उस पुराने मिरर के रिस्पेक्ट, मतलब जो एक्चुअल लोकेशन ऑफ मिरर है उसके रिस्पेक्ट में कितना है 20, मतलब बेसिकली कहां पे आएगा वो 123 है ना. सो देयरफॉर फाइनल इमेज एट 123 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर. ये रियल इमेज है, रियल है ना? है ना? हाँ सर रियल है. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के लिए क्लास को खत्म करेंगे, फिर आगे उसके अगले दिन करेंगे. रियल है तो इंडिपेंडेंट है, तो काफी सारे क्वेश्चन है. कंकेव मिरर of radius of curvature 40 centimeter lies on a horizontal table and water का refractance is 4/3 ठीक है, is filled in it up to a height of
5 centimeters. A small dust particle D floats on water surface vertically above the point of contact of mirror with table. Find the image of T as seen by observer above dust. बताइए क्या आएगा? Find the image मतलब कि location of image. Location of image. सर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 80 बाई 9 सेंटीमीटर ऊपर होगा क्या? हाँ 80 बाई 9 हाँ नहीं सर वही पे फॉर्म होगा मतलब जहाँ पे डस्ट पार्टिकल रखा है वही पे फॉर्म हो जाएगा. अच्छा हाँ हाँ वही भी होगा. नहीं क्या इससे जल्दी चेंज कर रहा है? नहीं होगा. क्या मिरर को शिफ्ट कराया? नहीं वैसे नहीं किया. तो कैसे किया? पहले इमेज लोकेट किया फिर उसका अपेरेंट डेप्थ लिया. इमेज लोकेट किया फिर उसका अपेरेंट डेप्थ लिया. अच्छा देखता हूँ तुमने कैसे किया. अभी देखने ये मिरर है और यहाँ पे हमने लिक्विड फिल करना है. लिक्विड को जितने दूर तक फिल किया है इसका डेप्थ उसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल फ्लोट कर रहा है इसको वो डी कह रहे हैं. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है. ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे इसको इसका इमेज कहाँ पे दिखना है वो पूछ रहे हैं वो. हाँ सर गलती समझ में आ गया. बहुत सारा सर गलती कर दिया है. ठीक है मुझे समझ में आ गया. ठीक है देखते हैं अभी चेक करो. पहली चीज तो ये है इसमें आप मिरर को शिफ्ट करने वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या ये रेक्टेंगुलर स्लैब है. सोचो मतलब रेक्टेंगुलर है क्या ये जो पानी का सरफेस है पानी का जो वॉल्यूम है. नहीं तो ये शिफ्टिंग वाला वो फॉर्मूला नहीं लगाना. ऐसा नहीं कर लेना कि 5 × 1 − 1/μ कर लिया उतने से शिफ्टेड हो जाएगा. उतने से शिफ्टिंग किसकी अपीयर होगी? जो एकदम पोल ऑफ मिरर है उसकी होगी. बट बाकी सबका तो अलग अलग अमाउंट होगा है ना. तो वो नहीं करेंगे आप.
आपको क्या करना है, बस ऐसे सोचो कि पहले एक रे कंसिडर करो जो यू नो मिरर की तरफ जा रहा है. आप ये सोचो कि ये रे को पता भी चलेगा क्या कि मीडियम चेंज हुआ था, ये तो ऑलरेडी पानी के सर्फेस में ही था, तो इसका तो सिंपल रिफ्लेक्शन होगा ना. हाँ. कोई नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, तो पहले आपको पहले रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करना है. तो ये रे इधर से रिफ्लेक्ट करेगा और इसका एक इमेज बनाएगा. तो ये जो इमेज बन रही है, इससे सोचो इससे जो इमेज बन रही है उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि पानी है या नहीं है. तो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट इमेज आई डैश बन रहा है. ये इंटरमीडिएट इमेज को निकालने के लिए पहले आपको रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो आप लिखोगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, यू विच इज माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाई एफ फोकल लेंथ विच इज माइनस 20. सही आ रही है, ठीक है. फोकल लेंथ मिरर का इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है मीडियम कौन सा है. तो 1 बाई वी विल बी 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 20. तो 20 एलसीएम ले लिया और ये हो गया 4 माइनस 1, मतलब वी की वैल्यू हो गई है 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर. ये पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि नीचे की तरफ ये फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज है. तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया. सॉरी, ये डिस्टेंस हमें दिख रही है, दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है. अब ये रे यहाँ पे जब वाटर ग्लास सॉरी वाटर एयर इंटरफेस पे आ चुका है, तब अब रिफ्रैक्शन होगा ना, होगा. हाँ. होगा. और ये रिफ्रैक्शन किधर जाएगा, अवे नॉर्मल, है ना. और इस अवे नॉर्मल वाली लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये पीछे आता है, दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस घट गई है. और डिस्टेंस घट जाना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एपरेंट डेप्थ विल बी रियल डेप्थ बाय म्यू. तो ये आपकी फाइनल एपरेंट डेप्थ होगी. इसको अगर आप ए कह रहे हो तो देयरफॉर ए विल बी रियल डेप्थ कितना था, 5 प्लस 20 बाई 3 एंड डिवाइड बाई कितना करना है आपको, 4 बाई 3. दैट्स इट. So, ये हो गया आपके पास 3.35 which is basically 8.75 centimeter below water surface water. Below surface water. क्या गलती किया था सृजन सर? मैंने 5 ऐड नहीं किया था, वही गलती किया सर. 20/3. अच्छा हाँ बोलो सर. यहाँ पे अगर जो आई डैश है वो रियल इमेज हो, मतलब कि वाटर का सरफेस के बाहर बनता, तब हम लोग कैसे करते हैं अपरेंट डेप्थ का, मतलब कैसे निकालते हैं अपरेंट डेप्थ? पानी के सरफेस के बाहर कैसे निकलेगा सर आई डैश का? तो मींस अगर जब वाटर का हाइट 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, थोड़ा सा और ज्यादा होता, अगर तब आई डैश सेंटीमीटर रियल इमेज 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा करना पड़ता, 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा करना पड़ता. हाँ. हाँ, तो उस केस में आपका कैसा डायग्राम दिखता है? कुछ ऐसा बनता. ये मिरर, तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इधर से आता ये इधर किधर जा रहा था, ऐसा ऐसे कह रहे हो ना? हाँ सर, है ना, ऐसा कुछ कह रहे हो. तो वापस से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता और उसके बाद फिर ये रे क्या होता है, जब ये इधर एंटर करता तो किधर जाता ये, अवे नॉर्मल जाता, तो ऐसे बेंड कर जाता. तो वापस से डिवाइड बाय म्यू करके निकाल लेते, यहाँ बनता. अच्छा. है ना. हाँ. मैंने आपको बोला ना वो तरीका एक ही है कि आप रेज को एक्सटेंड करो और जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है बस ये देखो कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रहा है या अवे नॉर्मल बेंड कर रहा है. अगर ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रहा होगा तो इमेज पीछे जाएगा, अगर ये अवे नॉर्मल बेंड कर रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, इमेज पास आएगा. बस इतना ही कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है? हाँ ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो और कुछ नहीं करना है. अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क की तरह छोड़ दे रहा हूँ.
beaker with silvered bottom, मतलब नीचे में मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, contains a liquid of refractive index equal to mu. A fish is floating at the middle of beaker. It is observed near normal. Near normally. Near normally. Actually, near normally by an observer located. Located at height h above surface of liquid, where the depth of liquid is also h. Depth of liquid is also h. दो पार्ट है, फाइंड द, अच्छा इसको एक ही तरह कर देते हैं, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ पहला फिश एज ऑब्जर्व्ड by observer, और दूसरा images of observer as observed by fish, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करके रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पहले डिस्कस करूंगा फिर आगे करूंगा, ठीक है सर? बोलो सर, हम लोग का और कितना क्लास लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में? एक है